नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम ऑर्थराइटिस को क्रिस्टल्स की मदद से कैसे ठीक कर सकते हैं। ऑर्थराइटिस के लिए भी हम बहुत सारे क्रिस्टल यूज करते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक क्रिस्टल के बारे में बताऊंगी जिससे कि जिसको अगर आपने लगातार यूज किया तो ऑर्थराइटिस में आपको बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फायदा होगा। सभी क्रिस्टल्स में, हर क्रिस्टल में इतनी सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर हम उन हीलिंग प्रॉपर्टीज को जाने और कुछ मेथड्स के साथ में क्रिस्टल्स का यूज करें तो बहुत सारी बीमारियों को हम अपने घर में ही ठीक कर सकते हैं, उनसे दर्द में राहत पा सकते हैं और काफी हद तक हमको आराम भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज मैं बात करूंगी ऑर्थराइटिस को हम क्रिस्टल की मदद से कैसे ठीक कर सकते हैं। ऑर्थराइटिस के लिए जो सबसे ज्यादा क्रिस्टल हम यूज करते हैं वो है रेड कार्नेलियन क्रिस्टल। देखिए, ये रेड कार्नेलियन क्रिस्टल है, ऑरेंज से लेकर रेड कलर तक का रेड कार्नेलियन क्रिस्टल होता है। रेड कार्नेलियन जो क्रिस्टल है वो मेनली हमारे सोलर प्लेक्सस से जुड़ा हुआ है। हमारे रूट चक्रा और हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं उन सबको हील करने की पावर इसके अंदर होती है। बहुत सारी इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अकेले केवल हम ऑर्थराइटिस के लिए इसको यूज नहीं करते, ये क्वार्ट्ज फैमिली का एक क्रिस्टल है। इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी परेशानियां हम इससे हील कर सकते हैं। खासतौर पे फीमेल्स की प्रॉब्लम, मेल्स की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से, खासतौर पे विमेन्स की जो प्रेगनेंसी को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ओवरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मतलब ओवरऑल उनको प्रेगनेंसी, कंसीव करने से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम हो, वो गायनी सारी प्रॉब्लम्स को ये स्टोन बहुत अच्छे से हील कर सकता है। पर आज मैं उनका भी यूज करने का किसी दिन मेथड बताऊंगी। देखिए, क्रिस्टल को यूज करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। हम सिंपली इनको अपने पास रखते हैं, हमको उससे भी रिजल्ट मिलता है, पर अगर हम पूरे मेथड के साथ यूज करें तो हमको फास्ट रिजल्ट मिलने लगता है। तो गायनी प्रॉब्लम्स के लिए हम इसको कैसे यूज करें ये मैं आपको किसी और वीडियो में किसी दिन बताऊंगी, पर आज मैं आपको ऑर्थराइटिस को लेकर बता रही हूँ कि ऑर्थराइटिस में आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं और किस तरह से हमको फायदा होगा। देखिए, पहले आप क्रिस्टल देख लीजिए, ये रेड कार्नेलियन क्रिस्टल होता है। चाहे आप कोई भी फॉर्म इसका यूज करें, मैंने आपको टम्बल्स दिखाए हैं, आप रफ फॉर्म यूज कर लें, कुछ भी फॉर्म में आप यूज करें, क्रिस्टल से आपको फायदा मिलेगा। आप क्या करेंगे, इसके कुछ पीसेस लेके, जैसे ये है, इसके कुछ पीसेस लेकर आप रात को एक पानी के कटोरे में डाल दीजिए, ठीक है। जितने क्रिस्टल आपके पास है ऐसे ही एक बाउल ले लो और उस बाउल में आप भर के रख दो। कम से कम उस बाउल में आप 24 घंटे भरे रहने दो, क्योंकि आप इस, देखिए क्रिस्टल में मैं हमेशा बताती हूँ कि जो क्रिस्टल वाटर है उसको आप डायरेक्ट मेथड से यूज ना करके इनडायरेक्ट मेथड से यूज करें। पर इस वाले ऑर्थराइटिस के लिए आप इसको इनटेक नहीं कर रहे हैं। अगर आप इनटेक नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में आप क्या करेंगे, क्रिस्टल्स ऐसे, आपने क्रिस्टल एक बाउल में लिए और पानी भर के इसमें रख दिया, तो रात भर इस क्रिस्टल की प्रॉपर्टी उसमें जाती रहेगी, ठीक है। वो जो पानी होगा उसमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। रेड कार्नेलियन सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसके अंदर होता है, ये जो रेड कलर है ये आयरन की वजह से है, तो इसमें ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यानी जब रात भर उस पानी में वो डूबा रहा तो वो पानी में वो वाली प्रॉपर्टीज आनी शुरू हो गई। तो आप क्या करेंगे, उस पानी, फिर सुबह आप उस पानी को हटाएंगे, ये क्रिस्टल्स को हटाएंगे और उस पानी को आपको यूज करना है। उस पानी को आप कैसे यूज करेंगे, आप मान लीजिए आपने बाउल में वो पानी लिया हुआ है, आप एक रुमाल लीजिए, उसमें भिगोकर गीला कर लें और निचोड़ कर अपने घुटनों पर रखें। आपको ऑर्थराइटिस है, मान लीजिए आपको घुटनों में ही ज्यादा प्रॉब्लम है और हाथों में भी होता है, जैसा भी, जहां भी आपको परेशानी है, तो आप एक गीला कपड़ा, इसमें कपड़ा गीला करते रहें और इस पर रखते रहें। जितना देर आप इस पर रखते रहेंगे आप देखिएगा, आपको 15 से 20 दिन में ही आपको लगेगा दर्द में आराम आने लगेगा। खूब पानी में भिगो भिगो के आप इसको रखते रहिए, जब आपको टाइम मिले आप पानी में भिगो कर रखिए। जब आप उसकी, जैसे हम सिकाई करते हैं, तो उसी तरह से आप लगभग इस पानी से सिकाई करते रहिए। अगर आप सिकाई नहीं कर पा रहे हैं तो इसका जो भीगा हुआ पानी है उसको आप लगाते रहिए, ऑइंटमेंट की तरह जैसे हम लगाते हैं ना, आप उस तरह भी लगाइए इसको लगातार। आप अपने, जब भी आपको समय मिले थोड़ा सा लें पानी और अपने घुटनों पे, अपने हाथों में ऐसे करके लगाएं। मान लीजिए आपको हाथ में, फिंगर्स में, थंब में, इन सब में दर्द होता है, तो इस वाले पानी से ही आप लगातार अपने हाथ धोइए। हाथ धोइए मतलब वो पानी बार बार लगे आपके हाथ में, जहां भी आपको ऑर्थराइटिस की जो भी प्रॉब्लम हो रही है।
तो आप ऐसे धोते रहें उस पानी से, उस पानी का अगर घुटनों पे है आप धोने के साथ साथ आप कपड़ा लगा के लेटें, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तो ये एक मेथड ये हो गया। दूसरा एक मेथड और है, उसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इनडायरेक्ट मेथड से क्रिस्टल वाटर कैसे बनाते हैं वो मैंने सिखाया हुआ भी है, आप मेरे चैनल पे देखिए, उसमें मिलेगा आपको कि आप इनडायरेक्ट मेथड से किस तरीके से क्रिस्टल वाटर बना सकते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड से बनाकर आप चाहें तो उस पानी को भी आप पी सकते हैं। आपने करना क्या है, इनडायरेक्ट मेथड से आपने पानी बना लिया और उस पानी को तैयार करके अपना फ्रिज में रख लीजिए बॉटल, और आराम से उस पानी को दो चार दिन आप पीजिए। उससे क्या होगा कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी इसकी या कोई भी केमिकल अगर मान लीजिए क्रिस्टल में होगा भी तो वो आपके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि आप इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। इसीलिए इनडायरेक्ट मेथड हमेशा है, जब इनटेक करना हो मतलब जब पानी पीना हो तब हमको इनडायरेक्ट मेथड हमेशा सेफ होता है। डायरेक्ट मेथड से पानी बनाने से बचें और इनडायरेक्ट मेथड से इस तरह बनाएं और उस पानी को पिए तो इस क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज उस पानी के साथ आपके अंदर भी जाएगी, जिससे आपको कोई घाटा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि केमिकल्स इसमें आए नहीं हैं, आपने इनडायरेक्ट मेथड से बनाया। लेकिन सिकाई करने के, पानी से सिकाई करने और जो हाथ धोना है पैर धोना है वो आप डायरेक्ट मेथड ही बनाएं, क्योंकि उससे आपको कोई लॉस होने वाला नहीं है, आप अंदर नहीं पी रहे हैं, तो वो आपने डायरेक्ट मेथड से बनाएं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये दो चीज़ें हो गई कि एक तो आप पानी को धोते रहें, सिकाई करें, और तीसरा उस पानी को पिए इनडायरेक्ट मेथड से बनाए हुए क्रिस्टल वाटर को, आप वो पीते रहे। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, जैसे कि देखिए ये क्रिस्टल है, अब ये क्रिस्टल ऐसा है कि अगर मान लीजिए अगर आप रफ फॉर्म में थोड़े बड़े पीसेस यूज करते हैं तब तो आप ऐसे जहां पे आपको दर्द है उस दर्द वाली जगह पे आप ऐसे रखते हैं। मान लीजिए अब आपको लग रहा होगा घुटने पे है तो घुटने पे रखेंगे तो ये स्टोन तो गिर जाएगा, वाकई स्टोन गिर जाएगा, आप ऐसे रखें ऊपर से एक टेप या आप कपड़े से बांध लो उसको, एक छोटा सा रुमाल लो, रुमाल से आप इसको बांध लो, जो भी आपका दर्द वाला स्पॉट है, मान लीजिए आपको यहाँ दर्द हो रहा है तो ये जो दर्द वाला स्पॉट है आपने यहाँ पे लिया और किसी भी तरह इसको बांध दीजिए। बहुत ज्यादा देर नहीं, आप आधा घंटे भी अगर ऐसे रख लेंगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा। घुटने पे आप लगाकर देखिए, आप सोते वक्त लगा लीजिए, आप सो रहे हैं सोते वक्त अपने घुटनों पे इसको आपने रखा, और या तो टेप से चिपका लें नहीं तो आप कपड़े से इसको बांध लो, ताकि ये उसी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए आपको इस जगह पे दर्द है मान लीजिए घुटने में, तो यहाँ पे ऐसे रखा और किसी कपड़े की मदद से आपने बांध लिया, आप ये वहां से हिलेगा नहीं, दर्द वाली जगह पे रहेगा, बहुत आराम मिलेगा आपको। आप देखिए 10-5 दिन ऐसा करिएगा, आपको बहुत आराम ऑर्थराइटिस में मिलने लगेगा। तो ये बहुत एक डायरेक्ट क्रिस्टल की एनर्जी को रिसीव करने का ये डायरेक्ट मेथड होता है, इससे आपको बहुत अच्छा ऑथराइटिस में फायदा मिलेगा। पर क्रिस्टल्स में हमेशा याद रखें, जब भी हम क्रिस्टल खरीदें तो किसी क्रिस्टल थेरेपिस्ट से हम उसको प्रोग्राम चार्ज करा के अपने लिए रेडी कराएं, क्योंकि क्रिस्टल सालों से बरसों से, पता नहीं कितने पुराने क्रिस्टल कब से फॉर्म हुए हैं, कब से बने हैं, ये सालों से ये अपने अंदर चीजें मेमोरी रिसीव करते हैं। क्रिस्टल तभी हमको हील कर पाते हैं क्योंकि क्रिस्टल के अंदर वो पावर होती है कि वो चीजों को रिसीव कर पाए। बहुत बरसों से इनके अंदर बहुत सारी बातें, मेमोरीज इनके अंदर होती हैं, बहुत सारे हैंड से होकर क्रिस्टल्स आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की चीजें बातें इसके अंदर स्टोर हैं। तो इसीलिए यूज करने से पहले पुरानी सारी बातों को खत्म करके नई मेमोरी इनको देना जरूरी है। ये काम क्रिस्टल थेरेपिस्ट करते हैं। जब आप इसको अपने लिए ऑथराइटिस के लिए यूज कर रहे हैं तो इसको अच्छे से प्रोग्राम करा के अपने लिए लें और फिर इनको यूज करें, ताकि पुरानी सारी जो भी इसके अंदर निगेटिविटी, पुरानी मेमोरीज हैं वो डिलीट हो जाए और नई चीजें इसके अंदर आ जाए। नई चीजें जो आप इसको बताना चाह रहे हैं, आप इससे ऑथराइटिस हील कर रहे हैं, ये चीज इसको पता हो, क्रिस्टल्स हर चीज सुन पाते हैं। तो इस तरीके से आप इनको क्लीन प्रोग्राम चार्ज करके यूज करिए और लगातार यूज करिए। देखिए इनको यूज करने में हमको कोई नुकसान भी नहीं है, हम 1 से 2 महीने आप इसको यूज करके देखिए, आपको खुद ही फर्क समझ में आएगा। तो इस तरीके से रेड कार्नेलियन से हम अपना ऑर्थराइटिस बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। रेड कार्नेलियन के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अलग अलग बेनिफिट्स मैं आपको और भी चीजों के बताऊंगी इसमें, और हम किस किस चीजों में यूज करें, किस मेथड से यूज करें, पर आज मैंने आपको ऑर्थराइटिस के बारे में बताया है, आप इसको यूज करिएगा। थैंक यू।